नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूँ आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। पूरे देश में सावन में बाबा महाकाल के भक्त कांवड़ लेकर भोलेनाथ के दरबार में जाते हैं। हर प्रदेश में कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी भक्तों की भारी भीड़ लगी है। प्रदेश के कोने कोने से भगवान शंकर के भक्त कांवड़ में जल लेकर पहुंच रहे हैं। गुना में कांवड़ यात्रा निकाली गई है। इस कांवड़ यात्रा में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कांवड़ उठाई। दरअसल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय गुना दौरे पर हैं। सावन के इस पवित्र महीने में उनका अलग अंदाज देखने को मिला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने संसदीय क्षेत्र के खुटियावत गांव में निकले कांवड़ यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने एक एक बच्ची से कांवड़ लिया और चल पड़े। कांवड़ को कंधे पर रखे हुए वे लगभग आधा किलोमीटर तक पैदल चले। सिंधिया के इस अंदाज का हर तारीफ होने लगी। साथ में चल रहे लोग हर हर महादेव के जयकारे लगा रहे थे। बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने संसदीय क्षेत्र गुना, शिवपुरी, अशोकनगर के दौरे पर हैं। सावन के चौथे सोमवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सावन के चौथे सोमवार के दिन बड़ी कांवड़ यात्रा में शामिल हुए। नंगे पैर और कंधे पर कांवड़ लेकर वे लगभग आधा किलोमीटर से अधिक पैदल चले। इस दौरान सिंधिया के पीछे वाहनों का काफिला और प्रशासन चला रहा। सिंधिया ने कांवड़ियों के साथ बम बम भोले के नारे भी लगाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना लोकसभा से चुनाव जीतने के बाद अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। कोई सामाजिक कार्यक्रम हो, राजनीतिक हो, प्रशासनिक बैठक या जनसुनवाई हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया सहज तरीके से जनता से मुलाकात कर रहे हैं। वे जनता के बीच सीधे जुड़ने के लिए लोकसभा क्षेत्र के तीनों जिलों में अपने जनसंपर्क कार्यालय भी खोल दिए हैं, जिनका उद्घाटन भी कर दिया है।